नहीं नहीं इस्तेमाल हो जाए, क्या दिक्कत है। 35 साल उसके साथ हुए, नीतीश कुमार के साथ हुए, ताबाद इसके साथ भी हो जाएंगे। फिर आप लोग के भाई लोग बोले कि इस्तेमाल की है लालू जी। हाँ वो तो बात सही बोले इन्होंने, उस पर हम सहमत हैं। इस्तेमाल होइएगा कि कभी आप लोग कुछ करिएगा। यही तो कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव कर रहे हैं। लालू जी के तो हम लोग बहुत देख लिए, लेकिन अभी नया पार्टी आना चाहिए ना। सुरेंद्र तो रहा 35 साल, उसको देख लिए, अभी नया पार्टी चाहिए। कहाँ क्या, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं है, इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। चेहरा अब सुरेंद्र जी क्या करें, इतना मतलब जो है 6 दफे 7 दफे जीत के क्या किए वो। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बेलागंज की सीट काफ़ी हॉट सीट है और हमारी मौजूदगी चाकनबाड़ा गाँव में है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव के बेटे चुनावी मैदान में, और वहीं बात कर ली जाए तो मनोरमा देवी है और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार तेजस्वी यादव और राजद के तरफ से ये दावा किया जाता है कि मुसलमानों का वोट बैंक उनको जाता है, लेकिन हमारे साथ तमाम समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा और जन सुराज के एंट्री मारने के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। जन सुराज कितने लोगों का खेल बिगाड़ सकती है। क्या नाम है आपका भैया? जाहिद हुसैन। किसका हवा चलेगा और इस बार ओवैसी पार्टी की भी? नहीं ओवैसी का नहीं यहाँ वोट पड़ेगा, जन सुराज का पड़ेगा। ओवैसी साहब से क्या दिक्कत? नहीं ओवैसी साहब का थोड़ा बहुत वोट पड़ने से क्या फायदा होगा, हम लोग जन सुराज का सपोर्ट किए। अच्छा एक बार और है, इस बार एक नए नवेले पार्टी का निर्माण हुआ है। हाँ तो उनके जो उम्मीदवार है अमजद साहब हैं। अमजद साहब वोट काटेंगे, वोट कटवा के रूप में रहेंगे? नहीं वो विनर है, तो विनर है, वही तो मेन है। आपके समाज के लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 वो बीजेपी के बी टीम ने, अभी दो तारीख को तो उसका अभी पार्टी बना है। लालू जी कहते हैं मुसलमान का वोट बैंक। नहीं 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 वो खिसक गया, उसका वोट बैंक खिसक बोलने से हो जाएगा, वो खिसक गया। हमको थोड़ी बोलने से होगा, पूरे विधानसभा में घूम के देख लिए, मुस्लिम वोट नहीं मिलने जा रहा। प्रशांत किशोर में क्या कुछ दिख गया? प्रशांत किशोर नया युवा चेहरा है, अभी उसको देखेंगे हम लोग, सबको तो देखवे किए हैं, अब उसको भी देख लेंगे। नहीं लगता है मुसलमान समाज हमेशा ये आरोप लगाता है कि मुसलमान हर एक लोगों को देखता है लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है? हाँ अभी इसको देख लेंगे, इसको सौतेला व्यवहार होगा तभी इसके साथ भी इस्तेमाल होते रहे। नहीं नहीं इस्तेमाल हो जाए, क्या दिक्कत है। 35 साल उसके साथ हुए, नीतीश कुमार के साथ हुए, ताबाद इसके साथ भी हो जाएंगे। फिर इस्तेमाल होना? हाँ क्या होगा, इस्तेमाल होके देख लेते हैं। यूज एंड थ्रो ही रहिएगा। हाँ नहीं ताकि किसको पकड़े, किसको पकड़े बोलिए। आप लोग ना बताइए। तो हम तो पकड़े तो कहते हैं कि हम ही नहीं भाई, हम तो जन सुराज को पकड़े तो वैसी साहब से क्या दिक्कत? नहीं वो वैसी साहब का अभी यहाँ नहीं चलेगा, अभी यहाँ उसका फोकस अभी नहीं चलेगा। वो भी मुसलमान का मुसलमान है? नहीं मुसलमान को इस्तेमाल नहीं करते, कैंडिडेट उस लायक नहीं उसका। जन सुराज का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, आई फाइट कर चुका है समझे। हाँ इसका सभी समाज का वोट नहीं पड़ेगा बड़ी मुश्किल। नहीं अब सारा जो भी वोट पड़ेगा जन सुराज को पड़ेगा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ भाई ये बताइए क्या लगता है कि इस बार फिर इस्तेमाल होना है कि बीजेपी की बी टीम है? नहीं देखिए देखिए बात ऐसा है ना कि आदमी जो है ना भैया, 35 साल हम लोग सुरेंद्र यादव को वोट दिया जी, तो बोलते हैं कि मुसलमान हम लोग के साथ है, बिल्कुल कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, बोलेंगे एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी भैया कि सब घड़ी आदमी खड़े रहेगा, कभी कभी बैठने का भी मौका मिलना चाहिए ना, है ना। तो बैठने का मौका हम लोग हाँ अभी हम लोग सोच रहे हैं भैया कि जो है बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। एक भैया आओ है, कहाँ नाम है भैया? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक जी जी किसको वोट दे रहे हैं? हम तो जन सुराज को दे रहे हैं। देखा देखी सुन लिए उनका तो वही से जन सुराज बोले लगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, हम जन सुराज के। लालू जी के क्या होगा, आप लोग छोड़ दीजिएगा तब तो औंधे मुंह गिर जाएंगे। अरे औंधे मुंह तो ऐसा तो नहीं है अपना, हम लोग साल मानते हैं आपकी इस्तेमाल की, आप लोग के भाई लोग बोले कि इस्तेमाल की है लालू जी। हाँ वो तो बात सही बोले इन्होंने, उस पर हम सहमत है। हाँ मुसलमानों का बोल रहा है, दल बोल रहा है, नेता लोग बोल रहा है कि जन सुराज जो है भाजपा की बी टीम है, खाली लालू जी के हराने। हमने आज वो कैंप में गए थे एक्चुअली। अच्छा, उनका जो कैंप में हाँ गए थे तो उनसे हमने ये सवाल किए। हाँ। कि लोग हाँ बोल रहे हैं कि आप बी टीम में बीजेपी के बी टीम हैं। हाँ। तो बोले नहीं, जनता का तो बात करना है और जनता अगर 4 बोल रहा है कि बी टीम है तो हम उसके उनका बात को सुनेंगे और हम और उससे आगे मेहनत करेंगे, जब रिजल्ट सही आएगा
तो अपने आप एक साल लगे इस्तेमाल कर लेगा कहीं। नहीं ऐसा नहीं, वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिस तरह से हम उनसे बात हुई हमारी आज से सुबह बात किए हैं, आश्वासन मिला है। हाँ सही, आश्वासन मिला है। हमारे साथ कुछ और भी लोग है भैया, कितने के हवा चल रहा है? प्रशांत किशोर नई नवेली पार्टी का निर्माण किया है, पटिया तो हम उसी का है। उसी के पार्टी है जी हाँ। पद मिला है कुछ? नहीं, पद के पीछे तो हम चल भी नहीं करते, हम एक ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा, हम गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है? हम इसको देखे और ऐसा ही मतलब कि गाड़ी लेके जा रहे थे तो उस समय में बात हुआ, तो ये यही बात बोले आ रहे भैया कि भाई मिनट समय 6 महीना साल भर की टाइम है, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो देखिए देखिए, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर 6 महीना में हमको रखने में क्या हर्ज है। चलिए ठीक है, देखिए जनसुराज के समर्थक है भैया, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरशद इमाम। अरशद जी जी बोलिए। जनसुराज को जीता ही के मानिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनसुराज ही के जिताएंगे। भी लोग छोड़ दीजिएगा तो लालू जी के क्या होगा? लालू बैसाखी के सहारे यादव? नहीं, लालू जी के तो हम लोग बहुत देख लिए, लगे अभी नया पार्टी आना चाहिए ना, हर घड़ी उसको ना देखना है। इस्तेमाल होते रहिएगा, 35 उधर किया फिर 5 इधर, एक नहीं नहीं अभी इस्तेमाले होइएगा कि कभी आप लोग कुछ करिएगा। यही तो कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव जी के क्या होगा? सुरेंद्र तो रहा 35 साल, उसको देख लिए, अभी नया पार्टी चाहिए। कहाँ क्या, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं है, इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। चेहरा किधर जाइएगा जी? जनसुराज के साथ रहिएगा कि सुरेंद्र यादव के साथ? नहीं, हम लोग तो उधर ही हैं। किधर? उधर कौन ने? जनसुराज गंगा जी के ऊपर थी। जनसुराज, जनसुराज हम जी अच्छे कैंडिडेट। हाँ ये नहीं, लेकिन इरादा तो सोच रहे कि बढ़िया बने, वो उसी को देना इंसान, बदलाव होगा जी। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया चुनाव है बड़ी? हाँ है तो चुनाव, बोलिए। वोट कैसे है, किसको दे रहे हैं? हम लोग जनसुराज को देंगे। जनसुराज नीतीश कुमार को हम लोग पूरा सोट के वोट दिए थे, मगर ये गठबंधन कर लिया बीजेपी से। बीजेपी से क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है? इस योगी बाबा और तमड़ा बाबा जो बजा रहे हैं, आदमी चिन चिन के मार कुछ कर दिए हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, सांस नहीं लेने दे नहीं सांस लेने नहीं दे रहे हैं हम लोग को। दिक्कत है ना, एक तरफा कार्रवाई करते हैं वो, एक तरफा एक तरफा ना है। आपके कह देने से आप कहाँ से न्यूज लाते हैं, कौन चैनल चलाते हैं, ऐसे बताइए। यूपी में मुसलमान लोग नहीं रह रहे हैं क्या? हाँ रह तो क्या कहते हैं, रहे भी नहीं यहाँ। आपका क्या कहना, यहाँ रहे भी नहीं? क्या कहना आपका कि यहाँ रहे भी नहीं? ईसाई सब रहेंगे ना, ना पाकिस्तान चल जाए लोग। बोलिए योगी जी को बोलिए हम लोग का सबका वीजा दे दें, हम लोग चल जाएंगे पाकिस्तान। तब सबका कुर्बानी है यहाँ, मुसलमानों को मारा। जितना भी माफिया है सब बीजेपी में घुसल है, वो दिखता नहीं है, उनका घर तोड़ने का नहीं है। थोरो ना थोरो, घोरो ना थोरो, मियाँ जी का घर तोड़ो। जी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है जनसुराज, पता है आपको? कौन? प्रशांत किशोर, पूरा फंडिंग बीजेपी करता है। अभी तो बेचारा एक भी दिन सरकार में आया नहीं है, कभी सरकार बनाया ही नहीं है, पहला बार चुनाव लड़ रहा है, और आप कह रहे हैं बी टीम, हम कैसे मान लें? अमजद जी को कभी कह दीजिएगा, अमजद जी को वोट। हाँ अमजद जी को वोट देंगे, योगी जी के भी हटा देंगे। हाँ हटा देने से नहीं हटेगा ना, हटेगा नहीं। आप कुछ सोचिए, आपके सोचने से पहले वो सोच लेता है कि हमको क्या बोलना है, समझे क्या करना है। महंगाई का बात जब आप कीजिएगा तो कहेगा उधर दंगा कराओ कोना में, सबका टोटल पब्लिक का मूवमेंट उधर, समझे। कोई कहता हिंदू खतरे में, कोई कहता मुसलमान नहीं, नहीं लगता काहे का खतरा। इस सरकार से पहले न मुसलमान खतरे में था और न हिंदू खतरे में था, सब एक ही हैं। अब इनके आने के बाद सब खतरे में हो गए, एक ही है ना। सब खतरे में जनता नहीं है भैया, खतरे में नेताओं की कुर्सी है, खतरे में कुर्सी। हाँ खतरे में कुर्सी है। चलिए सीधे तौर पे जीतेगा, काहे चाहे अल्लाह का चाहे। लालू जी तो बोल रहे हैं कि मुसलमान अबरी हमको वोट देगा, शुरू से देते आया वोट, कहे अमजद जीते या हारे वोट अमजद को पड़ेगा, सबको ही मिलके देंगे। हाँ लालू जी से काहे खुशी आ गया? अरे बोटी भी रोक दिया, रोटी भी रोक दिया, अब तुम बात कर रहे हो, रोटी बोटी सब रोकवा दिया। कौन रोकवा दिया? सब मिलके। अब बस आगे नहीं, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी थी, और जिस प्रकार से जनसुराज ने इस बार एंट्री मारी है और प्रशांत किशोर ने नई नवेली पार्टी का निर्माण किया है, और बेलागंज में मुकाबला जो है वो काफ़ी रोमांचक रहेगा, और यहाँ के तमाम जो लोग हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार अमजद जी को जिताना है और जनसुराज को कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा पैठ बनाना है, और इस पूरे मुकाबले को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और कहीं ना कहीं जो जनसुराज के आने के बाद
जो स्थितियां हैं वो काफी रोमांचक। बोलिए ना, तभी बुला रहे थे, एंडिंग कर रहे थे तो बुलाए। कौन जीतेगा? अमजद अली। सुरेंद्र यादव जी क्या करेंगे? अब सुरेंद्र जी क्या करें, इतना मतलब जो है 6 दफे 7 दफे जीत के क्या किए? वो कुछ नहीं किए हैं। क्या किए? देखे ना, पूरा क्षेत्र में देखे विकास का काम कहीं पे हुआ हुआ है। जनसुराज वाला कुछ माल बांटा है क्या? जनसुराज तो खुद दूसरे से माल ले रहा, तो दूसरे हम लोग को माल कहाँ से देगा? बोल रहे हैं तो लोग कि माल पूरा बांट रहा है, गलत बात है। कोई फायदा नहीं है। जनसुराज पार्टी तो अभी नई पार्टी लॉन्च हुई, पैसा कहाँ से देगा किसी को? देख रहे हैं सब जगह केनोपी लगा रहा है, पूरा फंडिंग हो रहा है, तमाम दल आरोप लगा दे रहे हैं कि पैसा कहीं ना कहीं से आ नहीं रहा। पब्लिक के सहयोग से वो लगा रहे हैं। आप ही लोग दे रहे हैं? हाँ, पब्लिक से भेजे हैं, आप ही भेजे हैं? सब लोग दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। सीधे तौर पे यहाँ की जनता ने कहा है कि इस बार प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अमजद जी को मौका दिया जाएगा और इस बार बेलागंज से कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, कौन किसे परास्त करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, गया।